हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्सेस टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक्स के कंपैरिजन के बारे में। आगे जानेंगे इन दोनों के ऑन रोड प्राइस, रेंज, बैटरी की सारी जानकारी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें दोनों स्कूटर की ऑन रोड प्राइस की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन रोड प्राइस 1,05,000 में पड़ता है और टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑन रोड प्राइस आपको 1,02,000 में पड़ जाती है। बात करें टॉप स्पीड की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है और टीवीएस आईक्यूब में आपको 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको मिल जाती है। बात करें दोनों स्कूटी की रेंज की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 80 किलोमीटर की रेंज मिलती है और टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 75 किलोमीटर की रेंज मिलने जाती है। इन दोनों स्कूटर को 4.3 की रेटिंग दी गई है। बात करें मोटर पावर की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 6000 वाट की मोटर मिलती है और टीवीएस आईक्यूब में आपको 4.4 किलो वाट की मोटर मिलती है। बात करें मोटर टाइप की, तो ओला में आपको एसी ब्रशलेस और टीवीएस आईक्यूब में आपको बीएलडीसी की मोटर मिल जाती है। चार्जिंग टाइम इसमें आपको सेम ही मिल जाता है गाइस। और बात करें मैक्स टॉर्क की, तो ओला इलेक्ट्रिक में आपको 50 Nm और टीवीएस आईक्यूब में आपको 140 Nm की टॉर्क मिलता है। बात करें स्पीडोमीटर की, तो आपको इन दोनों में डिजिटल मीटर मिल जाता है दोनों स्कूटरों में। और बात करें ट्यूबलेस टायरों की, तो आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और टीवीएस आईक्यूब में दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं और दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।